नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश सेठी अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने आपको कई सारी बातें बता दी थी, संविधान का परिचय पूरा हो चुका था, प्रशासनिक व्यवस्था पर हम बात कर चुके थे। उसके बाद अंग्रेज भारत में आए और भारत में उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था का जो गठन किया और उस प्रशासनिक व्यवस्था के गठन के पश्चात उन्होंने जो समय समय पर विभिन्न प्रकार के एक्ट जारी किए उनकी मैंने एक लिस्ट भी बता दी थी आपको और आपसे वादा किया था कि अपनी अगली क्लास में मैं उन्हीं एक्ट पर चर्चा करूंगा। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन अंग्रेज सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न प्रकार के एक्टों पर चर्चा करेंगे। एक छोटी सी बात समझा रहा हूं आपको, वो समझने की कोशिश करना कि भारत है और इस भारत पर किसका अधिकार था? ब्रिटिश संसद का। और ब्रिटिश संसद के प्रतिनिधि के रूप में भारत में कौन कार्य कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत पर अधिकार किसका है? ब्रिटिश संसद का। और ब्रिटिश संसद के प्रतिनिधि के रूप में भारत में कौन शासन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए भाई, 1773 से लेके 1857 तक भारत पर जो शासन है वो किसका है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और 1857 क्रांति के पश्चात ब्रिटिश संसद थोड़ी अलर्ट हो जाएगी और ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन छीनकर डायरेक्ट अपने हाथ में ले लेगी। तो 1858 से जो भारत का शासन है वो किसके हाथ में चला जाएगा? ब्रिटिश ताज के पास। कब से कब तक? 1858 से 1947 तक। ये एक बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब अपन ये अधिनियम पढ़ेंगे तो आपको सबको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर। और अब अपन अपना पहला टॉपिक लेते हैं आज यहां पर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। हाँ भाई, पहला टॉपिक आ रहा है आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो देखिए भाई, सबसे पहली अगर बात करें अपन तो इन एक्ट को जारी करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था, क्यों जारी किए गए, कारण क्या था इन सब एक्ट को जारी करने का। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन यही आता है, उसका जवाब यह है कि भाई ब्रिटिश संसद जो है, मतलब ब्रिटिश सरकार जो है, वो भारत में व्यापारिक क्षेत्र में अपने पैर पसार चुकी थी और वो यहां पर एक राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहती थी। तो इसी राजनीतिक व्यवस्था या प्रशासनिक गठन के कारण, प्रशासनिक गठन के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा समय समय पर जो एक्ट जारी किए गए वही ये एक्ट कहलाए। और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया जो पहला एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है, जो 1773 में आया, और इस एक्ट को जारी करने का मुख्य कारण क्या था? भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था को गठित करना। क्लियर। अब देखिए इसके प्रावधान क्या थे। पहला प्रावधान, मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने किस राज्य पे सबसे पहले अपनी सत्ता काबिज की थी, तो पहला राज्य था बंगाल। और बंगाल में इस प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने एक पदाधिकारी नियुक्त किया था जिसे क्या कहा जाता था? गवर्नर कहा जाता था। और उसका नाम क्या था? वारेन हेस्टिंग्स। भाई अंग्रेजों की सत्ता सबसे पहले बंगाल राज्य में हुई थी, जहां पर उन्होंने एक गवर्नर बनाया था जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। तो इस अधिनियम के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया। चूंकि उस समय बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था, इसलिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी कौन होगा? वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर। तो पहला प्रावधान क्या है इस अधिनियम का?
कि बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर से क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल। चूंकि उस समय वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर था, इसलिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी कौन कहलाया, गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर, पहला प्रावधान। उसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रावधान पर। तो देखिए, गवर्नर जनरल को उसके विधिक कार्यों में परामर्श देने के लिए एक चार सदस्यों की परिषद बनाई गई थी, जिसे क्या कहा जाता था, गवर्नर जनरल की परिषद। गवर्नर जनरल को उसके कानूनी कार्यों में परामर्श देने के लिए एक चार सदस्यों की परिषद बनाई गई थी, जिसे क्या कहा जाता था, गवर्नर जनरल की परिषद। इस परिषद में चार सदस्य थे। पहले सदस्य का नाम था मानसन, पहले सदस्य का नाम था मानसन, दूसरे सदस्य का नाम क्लेवरिंग, तीसरे सदस्य का नाम फ्रांसिस, इसका कई बुक्स में नाम फिलिप भी मिलता है, और चौथे सदस्य का नाम था वारवेल। तो ये चार सदस्य थे जो गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त किए गए थे पहली बार इस अधिनियम के तहत। क्लियर। अगली बात, अगली बात पे आते हैं अपन, तीसरा प्रावधान। तीसरा प्रावधान था भाई के उस समय ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के तीन बड़े महानगरों को प्रेसिडेंसी शहर कहा गया था, प्रेसिडेंसी शहरों की मान्यता दी गई थी। पहला शहर था कलकत्ता, दूसरा शहर था मद्रास, और तीसरा शहर था बॉम्बे। प्रेसिडेंसी शहरों से तात्पर्य है ऐसे शहर जहां पर अंग्रेजी व्यापार प्रभावित होता था। देखिए भाई, तीनों बंदरगाह के किनारे स्थित है ये तीनों नगर या महानगर, तो यहां पर अंग्रेजों का माल उतरता था और यहां से उनका माल लोड होता था, तो यहां से अंग्रेजों का व्यापार प्रभावित होता था, इसलिए अंग्रेजों ने इन तीनों शहरों को किसकी उपाधि दे रखी थी, प्रेसिडेंसी शहरों की। तो इस अधिनियम के तहत जो कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी थे, सॉरी, जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थे, इन्हें कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। क्लियर। इस प्रावधान के तहत मद्रास तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, अर्थात मद्रास और बॉम्बे का प्रशासन अब कहां से चलाया जाएगा, कलकत्ता से। क्लियर। अगली बात, चौथा और लास्ट प्रावधान, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में पहली बार एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। संघीय न्यायालय मतलब एक केंद्रीकृत न्यायालय की स्थापना की गई, कब, सन 1774 में। देखिए भाई, बहुत बारीक बात है कि स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, और कब की गई है, 1774 में। कहां की गई थी इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। कब की गई, 1774 में। और इस न्यायालय में चार न्यायाधीश थे, कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, चार, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस तीन अन्य न्यायाधीश होते थे। क्लियर। यह हमारा पहला अधिनियम जो कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया वो पूरा हुआ, और ब्रिटिश संसद ने इसको किसके लिए पारित किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रशासनिक व्यवस्था को गठित करने के लिए किया था, क्योंकि भारत में ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधि कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर। पहली बात क्लियर, पहला अधिनियम क्लियर, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की दुविधा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझसे संपर्क कर सकते हो, 9414741888। आप फोन ना कीजिए, केवल व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है, या आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भी आपका जवाब दे सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर।
अब हम अगली बात पर आते हैं, अगले अधिनियम पर आते हैं। हाँ भाई, तो दूसरा अधिनियम कौन सा था हमारा? पहला रेगुलेटिंग एक्ट हो गया 1773 में, दूसरा अधिनियम आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सबसे बड़ी बात वही, किसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों है? तो भाई देखिए, इस एक्ट को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पिट के द्वारा जारी किया गया था। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पिट के द्वारा इसे जारी किया गया, इसलिए इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। क्लियर? अगली बात, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया एकमात्र ऐसा अधिनियम जिसको पारित करने के बाद ब्रिटिश सत्ता या ब्रिटिश सरकार गिर गई थी, मतलब ब्रिटेन की जो सरकार थी वो सत्ताविहीन हो चुकी थी। अगली बात, लाने का कारण क्यों लेकर आया गया ये? तो आप सबको पता है, भारत में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। अगली बात बात करते हैं, प्रावधान क्या थे? तो देखिए, इस अधिनियम में आपको एक बिल्कुल विशेष चीज सीखने को मिलेगी। पहली बात, इस अधिनियम का जो पहला मुख्य प्रावधान था वो था भारत में द्वैध शासन प्रणाली का जन्म। द्वैध शासन प्रणाली को दोहरा शासन भी बोला जाता है, जो इंग्लिश वर्ड डायरकी से संबंधित है। क्लियर? अब अगली बात, द्वैध शासन क्या होता है? कि भाई जब किसी भी क्षेत्र या किसी भी प्रदेश का शासन दो अलग अलग भागों में बांटकर दो अलग अलग प्रकार से किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? द्वैध शासन या दोहरा शासन कहा जाता है। तो इस अधिनियम के तहत किस प्रकार दो भागों में बांटा गया था शासन को, वो देखते हैं। तो देखिए आप, सबसे पहले भारत में शासन करने के लिए अंग्रेजों द्वारा इस अधिनियम के तहत दो प्रकार की संस्थाओं का निर्माण किया गया। सबसे पहली संस्था जो थी उसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और जो दूसरी संस्था थी उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पहली संस्था का नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरी संस्था का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखिए भाई, अंतर क्या था? मैंने आपको पहले ही बताया था, अंग्रेज भारत में करने क्या आए थे? व्यापार करने आए थे। और करने क्या लग गए थे? राजनीति। तो अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए भी एक संस्था की आवश्यकता थी और राजनीति या प्रशासन करने के लिए भी एक संस्था की आवश्यकता थी। तो इसी अधिनियम के तहत व्यापार करने के लिए तो उन्होंने किस संस्था का गठन किया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये किस मामले देखेगी? व्यापारिक मामले। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल संस्था है, ये कौन से मामले संभालेगी? राजनीतिक मामले। अब देख लीजिए, आपको खुद को लग गया होगा ना कि द्वैत शासन हो रहा है। व्यापारिक मामले करने के लिए अलग संस्था बना दी, उसमें अलग आदमी जोड़ दिए, और राजनीतिक मामलों के लिए एक अलग संस्था बना दी, उसके लिए अलग आदमी जोड़ दिए गए। तो ये कौन सी प्रणाली कहलाई? द्वैध शासन प्रणाली कहलाई भैया। क्लियर? और इस प्रणाली का जो जन्मदाता है, 1784 में इस प्रणाली का जो जन्मदाता था उसका नाम था लियो कर्टियस। क्लियर? 1784 में इस द्वैध शासन प्रणाली या दोहरा शासन प्रणाली का जो जन्मदाता था उसका नाम क्या था? लियो कर्टियस। क्लियर? अब यह प्रणाली लागू हुई 1784 में, और यह कब तक लागू रहेगी भारत में? तो यह लागू रहेगी 1784 से 1858 तक। और एक बात और बता देता हूं आपको, 1858 में यही जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? भारत परिषद कर दिया जाएगा। अब ये भारत परिषद जब 1858 अधिनियम आएंगे उस टाइम बताऊंगा कि ये क्या बला है। क्लियर? तो ये आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कंप्लीट हुआ। आपके दो अधिनियम कंप्लीट हो चुके हैं, पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और दूसरा अधिनियम
पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्लियर? तो इस प्रकार हमारे दो अधिनियम क्लियर होते हैं और आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं। हाँ भाई, तो दो अधिनियम कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक 20 वर्ष के अंतराल में ब्रिटिश संसद के द्वारा 4 चार्टर एक्ट लाए गए थे। जो पहला चार्टर एक्ट था, फर्स्ट चार्टर, वो था 1793। दूसरा जो चार्टर था वो था 1813। दिख रहा है 1793 के 20 वर्ष बाद 1813। उसके बाद जो थर्ड चार्टर है वो था 1833 और जो लास्ट चार्टर है वो था चौथा चार्टर 1853। क्लियर? तो इस प्रकार प्रत्येक 20 वर्ष के अंतराल के बाद 4 चार्टर एक ब्रिटिश संसद के द्वारा लाए गए थे। क्या प्रावधान किया गया था, क्या नहीं किया गया था, वो आज अपन इन चारों चार्टर एक्ट को देखेंगे कंप्लीटली। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लास लंबी होगी तो हो जान दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आया हूं तो कम से कम 5-6 चार्टर 5-6 एक्ट तो पढ़ा के ही जाऊंगा आज। क्लियर? और तुम्हें भी लग रहा होगा ना कि अच्छा पढ़ा रहा हूं, अच्छा पढ़ा रहा हूं तो आगे शेयर करो ना फिर, क्या बावले हो क्या? हाँ भाई, तो पहला चार्टर एक्ट 1793 में देखिए क्या क्या प्रावधान किए गए। सबसे पहला प्रावधान, ये सारे मिटा देता हूं अभी, इनको बाद में ले लेंगे नंबर। हाँ भाई, चार्टर एक्ट 1793 देखिए, भारत में अंग्रेजी जो शासन था उसे कौन संभाल रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल रही थी। तो चार्टर एक्ट 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक मान्यता को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। पहला प्रावधान, व्यापारिक मान्यता 20 वर्षों तक बढ़ाई गई, मतलब 1793 से 1813 तक इसकी व्यापारिक मान्यता को बढ़ा दिया गया। अगली बात, दूसरा प्रावधान, राजनीतिक मामलों के लिए किस संस्था का गठन किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखिए भाई, 1793 में फर्स्ट चार्टर एक्ट के तहत भारतीय राजकोष पर एक अतिरिक्त खर्चा डाला जाएगा, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं इनका पहले वेतन कहां से दिया जाता था? ब्रिटिश राजकोष से। लेकिन चार्टर एक्ट 1793 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन कहां से दिया जाना तय किया गया? भारतीय राजकोष से दिया जाना तय हुआ। क्लियर? इस प्रकार इस चार्टर एक्ट से भारतीय राजकोष पर एक अतिरिक्त खर्चा बढ़ा दिया गया। तो ये चार्टर एक्ट 1793। इसके बाद अगले चार्टर एक्ट पर चर्चा करते हैं, सेकेंड चार्टर 1813। सेकेंड चार्टर एक्ट आता है आपका 1813। अब देखिए इस चार्टर एक्ट में क्या प्रावधान किया गया है। तो अपन ने 1793 चार्टर एक्ट में व्यापारिक मान्यता, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक मान्यता थी उसे अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। तो इस चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक मान्यता को समाप्त कर दिया गया। पर क्या पूर्ण रूप से समाप्त किया गया है क्या? नहीं, कंपनी के पास अभी भी दो प्रकार के व्यापार करने का एकाधिकार बना हुआ है। कौन कौन सा? और दूसरा, देखिए भाई, चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार कंपनी की व्यापारिक मान्यता को समाप्त किया गया, परंतु चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार रहा। क्लियर?
चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार रहा, मतलब और सब प्रकार की मान्यता समाप्त हो गई, केवल दो व्यापार कंपनी अभी भी कर सकती है। क्लियर। अगली बात, ये पहली बात, ये दूसरी बात, दूसरा प्रावधान, दूसरा प्रावधान जो ईसाई मिशनरी संस्थाएं हैं, ईसाई मिशनरीज संस्था, समझते होंगे आप ईसाई मिशनरी संस्थाएं, ईसाई मिशनरी संस्थाएं वही आपके जो स्कूल चलते हैं, सेंट जोसेफ, सेंट पॉल, सेंट जॉन्स इत्यादि, जो ईसाई मिशनरी संस्थाएं हैं, इन ईसाई मिशनरी संस्थाओं को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति इस अधिनियम के तहत दी गई। दूसरा प्रावधान क्या, कि ईसाई मिशनरी संस्थाओं को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति इस अधिनियम के तहत दी गई। तीसरा प्रावधान, ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करेगी। तीसरा प्रावधान कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए, हाँ भाई, तो अगला प्रावधान क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करेगी। तो इस अधिनियम के एक प्रावधान एक बार फिर देख लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक मान्यता को समाप्त किया गया, परंतु चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। अगला प्रावधान कि ईसाई मिशनरी संस्थाओं को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई। और लास्ट प्रावधान कि ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए भारतीय नागरिकों की शिक्षा पर खर्च करेगी। तो ये तीनों प्रावधान चार्टर एक्ट 1813 के थे। अब देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज अपन केवल ये चार ही एक्ट पढ़ेंगे। अगला जो वीडियो आएगा आपका या जो अगली क्लास होगी उसमें आपके अगले चार एक्ट आ जाएंगे। क्लियर। तो आशा करता हूं आप सबको ये समझ में आया होगा, मेरी कम्युनिकेशन आपको मैं आपके साथ सामंजस्य से बना पा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूं, आपको मेरी शिक्षण सामग्री अच्छी लग रही है, तो आप प्लीज अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, वंदे मातरम।